क्या समझ के रखा है आप लोगों ने? मेरी बेटी इंडिया की सिंगिंग स्टार है, सिंगिंग स्टार, समझ रहे हैं आप? वो इस तरह की अंडरगार्मेंट्स की कोई ऐड नहीं करेगी। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, आप फोन रखिए। पापा, किसका फोन था? देखो ना बेटे, एक हफ्ते से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये चाहते हैं कि मीरा इनके अंडरगार्मेंट्स की ऐड करे। तो क्या हुआ पापा? मीरा एक सेलिब्रिटी है, एंड आपको नहीं लगता ये सब ऐड करके उसी की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। बेटे, ये जो स्टारडम की इमेज होती है ना, इसे मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें किसी भी हालत में ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद यू पापा। वैसे भी उसके पीछे मैं ही पड़ी रहती हूँ पूरा टाइम। उसे तो किसी चीज की समझ है नहीं। बट आई जस्ट होप पापा कि उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो। एनीवे, हमें वो पुणे वाले इनॉग्रेशन पे जाना था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं देखती हूँ हमारी हीरोइन रेडी हुई है कि नहीं। आई जस्ट बी बैक। जाओ बेटा, जाओ। मीरा, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? नहीं, आप भी ना, हमेशा गलत टाइम पे बुलाने आ जाती। कोई गलत टाइम नहीं, मैंने कहा था ना, मैं आज पुणे जाना है इनॉग्रेशन पे। चल जल्दी रेडी हो जा। मुझे नहीं जाना किसी इनॉग्रेशन पे, मुझे मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने, और मेरी टपरी वाली चाय भी तो पीनी है। तो 2 साल पहले वाली मीरा नहीं रही अब। यू आर अ पब्लिक फिगर, तेरे फैंस, फॉलोअर्स तेरी म्यूजिक लाइफ के साथ साथ तेरी पर्सनल लाइफ भी फॉलो करते हैं। यू आर अ सेलिब्रिटी, बिहेव लाइक वन नाउ। चल अब जल्दी रेडी हो जा। अच्छा ही होता अगर रियलिटी शो के जजेस मेरी जगह आपका सिंगिंग विद चूज कर लेते, फिर आप ही झेलती हैं स्टारडम का हेट। मीरा, जो तुझे मिला है ना वो सबको नहीं मिलता। एनीवे, रेडी हो जा जल्दी से और नीचे मैं वेट कर। समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। 3 दिन हो गए मुझे आपको रिक्वायरमेंट्स भेजे हुए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपका आदमी हमारे पास आ रहा है या नहीं। अगर नहीं हो सकता, मैं किसी और एजेंसी से बात कर लेता हूं। सर, हम अपनी एजेंसी के बेस्ट बॉडीगार्ड का छुट्टी से वापस आने का वेट कर रहे थे। उसका नाम है अंगद शेखावत और वो आज ही से आपके यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करेगा। प्रेस और मीडिया ने काफी अच्छे से पूरा इनॉग्रेशन कवर कर लिया। आई एम श्योर कल पेशसी में ये न्यूज जरूर छपेगी। एंड मीरा, इस वीक तुम्हारी 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, एक फोटोशूट एंड वीकेंड पे। एंड हो गया बस सभी का। दी, मेरा ना टपरी वाली चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। ड्राइवर, आगे किसी चाय की टपरी पर रुक। नो मीरा, नो, दिस इज नॉट सेफ। वहाँ लोग होंगे एंड डोंट फॉरगेट यू आर अ सेलिब्रिटी। आई नो, लेकिन दी मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी तो हूँ। प्लीज आंटी। ओके ओके फाइन, बट दिस इज द ओनली टाइम। ड्राइवर, आगे कोई टपरी पे गाड़ी रुक गया। अ
भैया दो कटिंग चाय. डोंट फॉरगेट इट्स योर लास्ट टाइम. सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं मैं. आपके डैड ने मुझे अपॉइंट किया है, आज से मैं आपका बॉडीगार्ड हूं. व्हाट? मीरा, मीरा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं दी, लेकिन क्या है ये सब? मीरा, सेलिब्रिटीज के साथ ये सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं. आपको क्या लगता है जो अभी सब हुआ ये मुझ पे अटैक था? आई डोंट नो, मे बी. वेट, लेट मी टॉक टू डैड. पापा, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज इसे बोलो कि यहाँ से चला जाए. मेरा बेटे, देखो मेरी बात सुनो. देखो, तुम एक सेलिब्रिटी हो और सेलिब्रिटीज के लिए बॉडीगार्ड का होना बहुत जरूरी है बेटे. ये तुम्हें ये एग्रेसिव फैंस से सेफ करते हैं बेटे. बेटे, ये तुम्हारे सेफ्टी और इमेज दोनों के लिए अच्छा रहेगा. मान जाओ बेटे, उस बॉडीगार्ड को तुम्हारे साथ रहने दो. चलो, पहले ही सेलिब्रिटी लाइफ की वजह से कम रिस्ट्रिक्शंस थी. बॉडीगार्ड नाम का वायरस लगा दिया मेरे पीछे. नॉर्मल लाइफ पहले ही मुश्किल थी कि अब तो नामुमकिन ही है. मिस्टर बॉडीगार्ड, अब मुझे ही तुम्हें अपनी लाइफ से किसी तरह कंट्रोल और डिलीट करना पड़ेगा. अपना काम खुद कर सकती हूँ. ओके, समझ गया मैं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Get lost. आप मिस्टर रघुवंशी से बात कर लीजिए मैम. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? यही मेरा काम है. Don't stand on my head. जाओ जाके दूर खड़ी. यादी, हाँ मुझे पता है, मैं पहुंचती आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. एंड अभी वी जस्ट क्रॉस नवी मुंबई. ओके ओके, बाय. ड्राइवर, गाड़ी रुक.
Any problem, ma'am? I'm thirsty. I need water. Mineral water. पानी यहाँ. ओके प्लीज अब गाड़ी में बैठिए, मैं लेके आता हूँ. हैव अ सीट. ड्राइवर मुझे चॉकलेट खाना है, जाइए मुझे चॉकलेट लेके आइए. अभी अभी जाइए. मैम थैंक गॉड की चोट मामूली है. तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम्हारा नाम अंगद शेखावत है ना? अगर तुम्हें काम करना नहीं आता है तो तुम काम लेते क्यों हो? पापा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, I don't need a bodyguard. और ये तो मुझे बाइक से गिरने से नहीं बचा सका तो फिर मेरे को क्या प्रोटेक्ट करेगा? Yes. You're right. You are fired. और मेरे वापस आने तक तुम यहां मत दिखना. कौन हो तुम? देखो आगे मत बढ़. तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम इस लेवल पे गिर गए. एक्चुअली यही तुम्हारी असली औकात है, यही तुम्हारा असली चेहरा है. हाँ यही हूं मैं. अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी औकात के बारे में अच्छी तरह पता चल गया. तुम्हें डर लग रहा है राइट? या अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारी लाइफ का दी एंड कर सकता हूं. मैंने तुमसे सेल्फिश लड़की आज तक नहीं देखी. दूसरों से उम्मीद करती हो कि तुम्हारी इमोशन की वैल्यू करे, उन्हें समझे, लेकिन तुम खुद दूसरों को समझना भी नहीं चाहती. खुद का दर्द समझती हो लेकिन दूसरों का नहीं. यार एक बात बताओ, तुम स्टार्स का प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए? ऐसा नहीं है मैम. अपनी इस फेम की वर्ल्ड से ना बाहर निकलो और समझो कि दूसरों के भी इमोशंस होते हैं, वो भी हर्ट होते हैं. आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो. एक मिनट रुको, ये देखो
ये पिक्चर पिछले एक महीने से तुम्हारा स्टॉकर तुम्हारे डैड को भेज रहा है। योर लाइफ इज इन डेंजर। लेकिन अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो प्लीज गो अहेड एंड डाई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा। फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? मुझे नहीं चाहिए ये स्टार्डम। मुझे पब्लिक फिगर बनकर दूसरों की अटेंशन का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू डाई यंगर। आई वांट लाइफ। Happy birthday, my little rock star. Thank you. Happy birthday, my beauty. Thank you, Papa. अच्छा, I'm really happy क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। तुमने अंगद को फिर से बुला लिया। चलो अच्छा हुआ, तुम तैयार होके आ गई। अभी कुछ ही देर में निकलना है। कहाँ? बेटे, एमएलए जगदीश गुप्ता की हाउस वार्मिंग पार्टी है, वहाँ जाना है। इट्स माय बर्थडे टुडे, आज मेरा दिन है, तो इसलिए आज नो रिकॉर्डिंग्स, नो सोशल कमिटमेंट्स एंड नो पब्लिक अपीयरेंस। आज मैं सिर्फ पार्टी करना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ और वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो एक सेलिब्रिटी मीरा रघुवंशी नहीं कर सकती। सर, अभी तक अटैकर का कोई क्लू नहीं मिला है। मीरा का बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। तो मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी? मीरा, हमें ये पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू डोंट वांट टू गो, वी विल हैव टू। देखो, इस तरह के फंक्शंस में जाना बहुत जरूरी होता है और ये तुम्हारे करियर के लिए भी अच्छा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी। सर, आप और समीरा मैम आज फंक्शन पे अकेले चले जाइए। मीरा मैम को घर पे अकेले रहने दीजिए। व्हाट आर यू मैड और व्हाट? मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? सर, मीरा मैम पे आज तक जो भी अटैक्स हुए सब अकेले हुए। अगर आज रात को घर पे अकेली रहेगी तो आई एम श्योर वो स्टॉकर जरूर अटैक करेगा और तब मैं उसे पकड़ लूंगा। अगर इसे कुछ हो गया तो सर, इन्हें कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू। किस लिए? मुझे उस बोरिंग हाउस वार्मिंग पार्टी से बचाने के लिए। कहने को तो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ जिसे इतने लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ कितनी खाली है। आज मेरा बर्थडे और मेरे पास तो एक दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं।
नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती हूँ, मुझे फ्री लाइफ चाहिए। आई नो ये तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है और तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। ये केक, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, ये सब तुमने मेरे लिए किया। हैप्पी बर्थडे मीरा मैम। कॉल मी मीरा। अच्छा लिसन, जब मैं केक काटूंगी ना तो तुम्हें क्लैप करना होगा और मेरे लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना भी गाना होगा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाते गाते स्माइल भी कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने आपका वो फेवरेट पास्ता बनाया। तुम्हें कैसे पता पास्ता मेरा फेवरेट है? वो सोशल मीडिया पे आपके फैंस ने बताया। मैं वो डिनर लेकर आता हूँ। ये स्टार्टर से शुरू करो, तब तक पास्ता भी रेडी हो जाएगा। एक बात पूछो, तुम हमेशा से बॉडीगार्ड बनना चाहते थे? एक्चुअली मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। तुमसे पहली बार मिलके जो मुझे लगा था, तुम उससे बिल्कुल अलग हो।
पहली बार तुम्हें देखकर भी ऐसे ही लगता है कि तुम दूसरी सेलिब्रिटीज की तरह नकचरी और बदतमीज हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ओह नो, पास्ता चल गया। अरे अरे, बगैर पास्ता मेरा इसी से पेट भर जाए। गिफ्ट खोलते हैं। इतनी सारी गिफ्ट, ये सब तुम लाए मेरे? नहीं, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे फैंस ने भेजे तुम्हारे लिए। समीरा देखा गया? लवा, पता है मुझे पता था कि वो मुझे गिफ्ट देंगे और मैं बेकार में ही गुस्सा हो रही थी उनसे। वाओ, मैं ये ट्राई कर क्या? मैंने तुम्हें पिक सेंड किया, हैंडराइटिंग मैच करके मुझे तुरंत पता। मीरा, क्या हुआ मीरा? Why do you guys look so tensed? मेरे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट फ्रेंड ने कंफर्म किया कि मीरा का बर्थडे कार्ड का मैसेज और ये थ्रेट लेटर्स एक ही इंसान ने लिखे हैं और वो हैंडराइटिंग आपकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सा कार्ड? मीरा, मैंने तुम्हें कोई बर्थडे कार्ड नहीं लिखे। अंगद इज जस्ट लाइंग। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इसमें फ्रेम करने की? हाँ, मैं फ्रेम कर रहा हूँ मीरा। ये सारा प्लान अंगद का है कि मुझे रास्ते से हटाकर तुम्हारे नजदीक आना चाहता है। We trusted the wrong guy. And you never know. शायद यही अटैकर से मिला हो। मीरा, ये झूठ बोल रही है। Just shut up, both of you. मीरा, look at me. मैं सच कह रहा हूँ। मैं समीरा के नाम का बर्थडे कार्ड तुम्हें क्यों दूंगा? मुझे समीरा से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और मुझे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं क्यों इस पे अटैक करवाऊंगी? मीरा, आई नो कि अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर गिव मी अ चांस। आई कैन प्रूव कि समीरा ने। शट अप अंग, हाउ डेयर यू फ्रेम माय सिस्टर? जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम माय लाइफ।
सुना नहीं तुमने मीरा ने क्या कहा? Just get out! ये तो दीदी का नंबर है। मीरा, जो तुझे मिला है ना वो सबको नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी, ये पिक्चर पिछले एक महीने से तुम्हारा स्टॉकर तुम्हारे डैड को भेज रहा है। मेरे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट फ्रेंड ने कंफर्म किया कि मीरा का बर्थडे कार्ड का मैसेज और ये थ्रेट लेटर्स एक ही इंसान ने लिखे हैं और वो हैंडराइटिंग आपकी है। Why did you do this, दी? आप मुझे मारना चाहती थी? You're my sister, for God's sake! मीरा, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? क्या हो रहा है? डैड, मीरा कह रही है कि इस पे सारे अटैक्स मैंने ही करवाए। I mean, how can she even think about that? Meera, what is this? Wait a minute. ये आपी का नंबर है ना समीरा दी? इस नंबर पे दीन ने अभी अटैकर को कॉल करके शहर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो यही कंफर्म करना भूल गई थी कि ये फोन तो मेरे पास है। समीरा, क्या ये सब? I said speak up! हाँ, मैंने कराए थे सारे अटैक्स। पापा, मेरी किस्मत तो बचपन से ही डूम्ड है ना। सारे लाइफ के सैक्रिफाइसेस मैं करूं, क्यों? Because I'm the eldest one. पापा, सिंगिंग मेरा भी पैशन था। सुबह शाम मैंने रियाज किया, लेकिन रियलिटी शो वालों ने किसका सॉन्ग सिलेक्ट किया? मीरा को। You know, मीरा, I envied you for your good luck, लेकिन after you won the competition, I hated you. I hated you so much. तुम्हारा स्टार्डम, तुम्हारे फैंस, और मुझे क्या मिला डैड? मुझे क्या मिला इतना सीरियस और डिसिप्लिन होकर? इसकी सेलिब्रिटी मैनेजर बन के रह गई मैं। मैंने हमेशा आपको अपना आइडल माना। आप मुझे एक बार बोल देते कि आपको मेरी सिंगिंग, मेरी सक्सेस पसंद नहीं है, मैं आपके लिए सब खुशी खुशी छोड़ देती। मैं लकी निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं किया। मुझे लगता था यू अंडरस्टैंड मी,
But I was wrong. I was so wrong! I can't believe this. सॉरी के लिए भी वेट नहीं करोगे मेरा? I'm sorry मैंने तुम्हें गलत समझा. I'm sorry मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा. I'm sorry I doubted your intentions. मैं रहे हूँ. तुम मेरी पोजीशन समझोगे. अभी तुम्हें जाते देखकर मुझे लगा कि जैसे मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं खुद को भी खो दिया. I love you too, Meera. अच्छा? बर्बादियाँ. अगर मैं बाहर नहीं आती तो मुझे नहीं बताते कभी? बताता. लेकिन तुम्हारा स्टॉकर बनके. I don't mind such a hot stalker, लेकिन. लेकिन क्या? तुम promise करो कि हमेशा ऐसे ही मेरे बॉडीगार्ड बने रहो. हमेशा वायरस की तरह मेरा पीछा करो. और एक रोबोट की तरह मेरी बात मान. I promise. रुके नहीं ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाक सी. मुझे यहाँ से ले चलो अंगर. मुझे नहीं रहना यहाँ. ले चलो मुझे यहाँ से इस भीड़ से दूर इस ग्लैमर से दूर. मैं सिर्फ अंगर की मीरा बन के रहना चाहती हूँ. तुम्हारी मीरा. जिद्दी बड़ी बड़ी सरफिर है ये आशिकी. Let's go. दुनिया जहां की ना खबर मजहब यही है.